नहीं क्या हो गया मुझे उदयवीर, मुझे लगता था मैं किसी चीज से नहीं डरती, ना सांप ना पिच्छू ना अंधविश्वास, पर तुम्हें खो जाने के ख्याल से ही मैं काम चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो उदय, क्योंकि ये सब जो भी हुआ है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा उदय, मेरी खातिर। उदय मान्यता की जिद हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आई मीन हम समझ सकते हैं उसे दादा की फिक्र है, बट अगर वो अपनी तबीयत को नजरअंदाज कर देगी तो गॉड फॉरबिड उसे कल को कुछ हो जाता है तो हम दादा को क्या जवाब देंगे? कुछ भी नहीं होगा उसे, ना उदय को और ना मान्यता को। मान्यता ने बहुत सारी गलतियां की है, और यू नो व्हाट, पर अब वो ये बात जान गई है कि उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ उदय के साथ ही है। यस, मैं सायन संघवी से अमित शाह, आई एम ए लॉयर, मुझे युवरानी मान्यता जी से मिलना है। अमित शाह, आप दादा के लॉयर हैं, राइट? जी हाँ, दरअसल युवराज उदयवीर जी ने कुछ पेपर्स दिए थे, उसी सिलसिले में मुझे मान्यता जी से मिलना था। कैसे कागजात? उनकी वसीयत के। वसीयत? How dare you? आपकी जुर्रत कैसे हुई? हमारे दादा की जिंदा रहते आप उनके विल के पेपर्स लाए हैं? काम डाउन उन्नति, अगर मिस्टर शाह यहां इस वक्त आए हैं तो जरूर उनके पास कोई वजह रही होगी। रिलैक्स। देखिए उन्नति जी,
आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। युवराज जी का और मेरा पुराना नाता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि उनका बाल भी बाका हो। उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे ही पेपर रेडी हो जाए मैं उसको लेकर यहाँ आ जाऊँ। वो कह रहे थे कि मान्यता जी को इन पेपर की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। एक्चुअल में ये पेपर्स देवगढ़ प्रॉपर्टीज के बारे में है। Can I have a look? I don't believe this. He was setting her free. Dada khud Manyata ke pyar mein qaid hai. Aur woh usse hi azaad kar rahe the. मान्यता तो उदय के साथ ऐसी कुंडली मार के बैठी है जैसे कि कोई सांप खजाने पर बैठा हो। सीरियसली, उदय की साइड एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रही है मैडम। आई मीन, बस पत्थर बन के बैठी है। मान्यता को उदय की साइड से जाना पड़ेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। पर कैसे बेब्स, आज तक हमारी सारी चालें हम पर उल्टी पड़ती आई है। ओ गॉड, हमें तो समझ में नहीं आती कि हम तुम दोनों का स्टैंड क्यों कर रहे हैं। जब तुम्हारे फायदे की बात होती है तब मुंह उठाकर चले आते हो डिजाइनर बैग और शूज लेने के लिए, मगर जब हम मुसीबत में होते हैं तब तुम दोनों हमेशा हमें डिसअपॉइंट करती हो। निकल जाओ यहां से, हमारे कमरे से और हमारी लाइफ से भी। गेट द हेल आउट ऑफ माय लाइफ। जी, एक जमाना था जब तुम देवगढ़ की खास प्रिंसेस थी, मगर मान्यता के आने के बाद भी हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ इसलिए बिकॉज़ हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। बट सीरियसली, तुम्हें दोस्तों की नहीं, तुम्हें तो नौकरों की जरूरत है। आई मीन, उदय सही कहता है, तुम्हें हस्बैंड नहीं, तुम्हें एक डॉग की जरूरत है जिसकी लीश तुम अपने हाथ में रख कर पूरा दिन घूम सको। यू नो व्हाट जे, तुम जितना ट्राई कर लो ना, उदय कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दोस्ती हमेशा बराबरी में की जाती है जे। जब लोग दोस्त बनाते हैं ना तो वो चाहे कहीं के भी क्यों ना हो, उनका रिश्ता बराबर का होता है, नौकर और मालिक का नहीं। हम जा रहे हैं जे, और अब तुम्हारे लाख बुलाने के बाद भी हम दोनों वापस नहीं आने वाले। Get lost both of you. हम देवगढ़ की प्रिंसेस शैन नंदनी, हमें तुम जैसे ऐरे गैरों की कोई जरूरत नहीं। और रही बात उदय की, तो वो तो हमें जरूर मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो हमें चाहिए वो हम हासिल करके रहते हैं। पिछली बार जब मान्यता को सबक सिखाना था तब हमने डीएस को गिरा दिया और उसको इतना अच्छा सबक मिला कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। क्या हुआ, आंखें फटी की फटी क्यों रह गई तुम दोनों की? बिलीव नहीं हो रहा ना कि हमारी दादी साहब हमारी वजह से कोमा में हैं? Guess what? हमारे पास तुम दोनों के लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है। और पता है क्या है? कि आज उदय की ये हालत भी हमारी वजह से हुई है। और अब अगर तुम दोनों भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचना चाहती
तो अगले 30 सेकेंड्स के अंदर हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ. Get the hell out of my room! हम जा रहे हैं जे, मगर ये सब करके ना तुम्हें कभी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं बचा है. हो सकता है आज हमारे पास कुछ नहीं, मगर अगर हमारे पास कुछ नहीं रहा तो किसी और के पास भी नहीं बचेगा. जो हमारा नहीं हो सकता उससे हम किसी और का भी नहीं होने देंगे. उदय ने ये ठीक नहीं किया. ये पढ़कर मान्यता का दिल तो टूट ही जाएगा. रियली मान्यता और दादा कितने बेवकूफ हैं. क्यों कर रहे हैं ये दोनों ऐसा एक दूसरे के साथ? क्या वो दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहेंगे? यूं ही एक दूसरे को अपने आप से अलग करते रहेंगे? उन्नति, तुम और मिस्टर शाह यहीं रुको, हम खुद ये मान्यता को देकर आते. मान्यता? विजय भाई प्लीज कोशिश मत कीजिए. पहले से ही बाकी सब बहुत कोशिश कर चुके हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, पर मेरे सामने किसी की भी नहीं चली. और मैंने माँ से भी कह दिया है कि जब तक उदय की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी. सीरियसली, आई मीन, डू यू रियली थिंक कि तुम इस तरह उदय से मदद कर रही हो? डू यू रियली थिंक कि उदय को जब होश आएगा और तुम्हें इस हालत में देखकर वो क्या वो खुश होगा? विजय भाई, इस फसाद की जड़ मैं हूँ. जब उदय ने मुझे और आकाश को उस रेस्टोरेंट में एक साथ देखा तो उसके चेहरे से सारे रंग उड़ गए. मैंने आज तक उदय को ऐसे गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा. इसका मतलब पूरी जिंदगी अपने आप को इसी तरह सजा देती रहोगी तुम? अपने आप को चाहे कितनी भी सजा दे दूं विजय भाई, पर अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी. बेवकूफ लड़की, यू नो व्हाट, तुम खुद को माफ नहीं कर सकती हो, पर उदय, उदय कब का तुम्हें माफ कर चुका है? ये क्या है विजय भाई? चिट्ठी है जो उदय ने तुम्हारे लिए लिखी है. और प्लीज इसे पढ़कर कोई गलत मतलब मत निकालना. इन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करना. पढ़ो. इसमें क्या लिखा है विजय भाई? खुद ही पढ़ लो. ये वो प्यार का सबूत है जो तुम दोनों के बीच में है. ऐसा बेइंतहा प्यार सिर्फ तुम दोनों के बीच में ही हो सकता है. अगर उदय ने इतनी बड़ी चीज मेरे लिए, और मुझे हमेशा लगता था कि उदय मुझे अपने आप से अलग रखना चाहता है. सीरियसली, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि उदय तुम्हें अपने आप से अलग रखना चाहता है? युरानी जी, बाहर कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं बैंक से आए हैं और हमारा महल और बाकी की सारी जायदाद जब्त कर लेंगे. वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? युरानी जी, नीचे सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं. कोई कह रहा था कि ये एक दिन होना ही था, क्योंकि देवगढ़ रियासत में अब कोई नहीं है. राजमाता भी कई महीनों से बीमार हैं और अब युवराज उदयवीर की हालत भी नाजुक है.
और देवगढ़ की युवरानी इस रियासत को अकेले नहीं संभाल सकती। अब इंतजार किस बात का मान्यता? तुम्हारे हाथ में एक अस्त्र है, जाओ जाके अपना वार करो। अमशा, ये जय की कोई नई चाल है और उदय ने तो ऑलरेडी इस चाल के खिलाफ अपने हाथों के पत्थे खेल दिए हैं। अब ये बाजी तुम्हारे हाथों में है मान्यता। जाओ मान्यता और इन बैंक के बेवकूफों को ठीक करो, जाओ। पर विजय भाई, मैं उदय को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी मान्यता शायद अब भूल रही है कि आप है कौन। इन जज्बातों के बहाव में बहकर शायद अब भूल गई है कि इस रियासत के प्रति आपका कोई फर्ज है, कोई कर्तव्य है। कुछ महीने पहले आपने एक शपथ ली थी, उस शपथ को याद कीजिए और जाइए। देवगढ़ की युवरानी राजकुमारी मान्यता शपथ लेते हैं कि अब से हम प्रजा के हित को स्वयं अपने हित से आगे रखेंगे। हम शपथ लेते हैं न्याय और इंसाफ के मूल्य को सबसे ऊंचा दर्जा देंगे, चाहे इंसाफ के लिए हमें अपने प्रिय जनों को ही सजा क्यों ना देनी पड़े। हम शपथ लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बनेंगे, ब्रह्मा की तरह उन्हें संवारेंगे, विष्णु की तरह उनकी रक्षा करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो महेश की तरह अपने दुश्मनों का विनाश करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अपनी रियासत की रक्षा कीजिए, आपकी रियासत को आपकी जरूरत है। जाइए मान्यता। आप जाइए और उन बैंक वालों से कह दीजिए कि किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। युवरानी मान्यता उनसे मिलने आ रही है। जी। Good morning, Your Highness. Good morning. बैठिए। हम लोग People's Republic Bank से आए हैं। बताइए। हमें इस प्रॉपर्टी को सील करना होगा Your Highness, क्योंकि इस घर के मालिक अब इसकी और देखरेख के लिए मौजूद नहीं है। हमें लगता है आपकी पास की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए आप सबको हम नज़र ही नहीं आ रहे। मगर हम लोगों को तो बताया गया था कि क्या क्या बताया गया था कि इन दिनों हमारी रियासत में कुछ मुश्किलें पेश आ रही है, इसलिए आप हमारी पुरखों की ज़मीन जायदाद हड़प लेंगे। देखिए मिस्टर बैंकर, आप जिस भी बैंक से आए हैं उन्हें जाकर कह दीजिए कि देवगढ़ ने हज़ार साल के इतिहास में कभी कोई जंग नहीं हारी और जब तक इस देवगढ़ की युवरानी जिंदा है तब तक हमारे रियासत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वकील साहब, आप इन्हें हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दीजिए। जी। युवराज उदयबीर सिंह जो इस प्रॉपर्टी के पिछले मालिक थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पर वापस ट्रांसफर कर दी है। आप चाहे तो हमारे पेपर्स देख सकते हैं। ये देखिए। सीमा जी, जी हम इन लोगों को अपने घर पे एक सेकंड के लिए और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोगों को इसी वक्त यहां से ले जाइए। आइए।
प्रिंसेस, जो आपका है वो हम आपको वापस लौटा रहे हैं। यकीन मानिए, ये जायदाद हमारे पास आपकी अमानत के तौर पर ही थी। हम आपसे सिर्फ प्यार ही नहीं करते मान्यता, आपकी इज्जत भी करते हैं। और हमें यकीन है कि देवगढ़ रियासत की बागडोर आपके काबिल हाथों में रहेगी तो सिर्फ देवगढ़ की ही नहीं पूरे राजस्थान की तरक्की होगी। क्योंकि हमने आपको ये पेपर्स लौटा दिए मान्यता कि अब आप खुद को हमारा एहसान मंद समझने लग जाए। आप आजाद हैं प्रिंसेस, वही कीजिए जो आपका मन कहे। हम आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, मगर हमारा प्यार इतना खुद कर्ज भी नहीं है मान्यता कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ किसी बंधन में बांध लें।